मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और बत्तख पालन को एक साथ किस तरह से समेकित किया गया है और वो एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं और उनसे हमारा मुनाफा क्या हो सकता है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ का क्या सिस्टम है। किसान भाइयों, हम आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रणाली समेकित कृषि प्रणाली है और किस तरह से सभी प्रणालियों का इसमें समन्वय किया गया है, इसकी भी जानकारी देने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी हम जो आपको बताने वाले हैं वो ये कि मत्स्य पालन और मुर्गी पालन एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में तकनीकी पहलुओं पर बात करेंगे हम डॉक्टर साहब से। यहाँ पर इस प्रणाली में हमने मुर्गियों को बिल्कुल आप देख रहे होंगे तालाब के ऊपर बनाया है। इसका एक हमको किसानों को सीधा सीधा फायदा है कि मुर्गियाँ जो बीट करती हैं वो सीधे सीधे हमारे मछलियों के भोजन में काम आता है और ये कम से कम 20-25% तक मुर्गी मछली उत्पादन के लागत को जो हमारी खाने पर खर्च होता है इससे इस माध्यम से हम उसको कम करते हैं। इस तरह हमारे इस प्रणाली में लागत की कमी आती है इसके समायोजन से। और जगह की जो है वो भी व्यवस्था इस तरह से की गई है कि थोड़े से कम जगह में ही मुर्गियों के रहने की व्यवस्था हो रही है। हाँ बिल्कुल, यही तो इस प्रणाली की विशेषता है कि हम यहाँ पर हॉरिजेंटल एक्सपेंशन अवयवों का नहीं करते हैं, ज़मीन की सतह के ऊपर करते हैं और कम जगहों में करते हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हमने बंड और तालाब के किनारों को लेकर 1000 क्षमता की मुर्गी पालन इकाई का स्थापना की है और इससे महीने में हमको 16,000 रुपये की विशुद्ध आमदनी हो जाती है। तालाब के बांध पर जिस तरह से ये प्रणाली विकसित की गई है, मुर्गी का घर बनाया गया है ऐसे तरीकों से ताकि उनकी बीट से जो मछलियों का भोजन हो सके। तो आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने ये बताया कि 20-25% कम खर्च हमें करना पड़ता है मछलियों के खाने की सामग्रियों पर, तो मुर्गी पालन और मुर्गी से जो उत्पाद मिलते हैं उसका क्या कनेक्शन होता है? फिर सीधे सीधे इसके हमारी मुनाफे पर असर पड़ता है। मछली पालन में हमारे जो खाने पर खर्च आता है उसके मुनाफे पर पड़ता है और मुर्गी पालन के लिए हमको अतिरिक्त जगहों की आवश्यकता नहीं है। तालाब के बिल्कुल ऊपर हम बना लेते हैं, इस तरह से ज़मीन की हमें अधिक आवश्यकता नहीं होती है और हमारी आमदनी मुर्गी को बेचने से जो भी होती है वो भी हो जाती है। बिल्कुल, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि बत्तख पालन की अगर बात करें तो बत्तख क्या मछलियों के किसी भी काम में आ सकता है, क्या वो एक दूसरे पर निर्भर है? बिल्कुल, बत्तख एक ऐसा घटक है जो हमारे लार्वा, जितने भी कीड़े मकोड़े के लार्वे होते हैं पानी के ऊपर, सबसे पहले तो वो उसको नष्ट कर देते हैं, उसको खा जाते हैं। द्वितीय, वो हमारे पानी को एरेट करते हैं जिससे हमारी ऑक्सीजन की उपलब्धता हमारी मछलियों को ज़्यादा मिलती है। उसके अलावा वो जो बीट करते हैं वो हमारी मछलियों के खाने और साथ में पानी के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जो प्लैंक्टन्स हैं उसके बढ़ाने में मदद करते हैं, जो हमारी मछलियों का भोजन है।